नमस्कार पिलामाने, इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। पुणी थरे मु आउ उठे वैकेंसी सहित आपन को पाखरे आसी पहुंची जाई छी। जेमती के आपन माने समस्त बहुत वीडियो रे पाई सारि थिबे जे नोटिफिकेशन ले ओएमसी ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रो जोटा वैकेंसी आसी छी। बहुत बढ़िया वैकेंसी आसी छी आईटीआई पिलामन को पई, डिप्लोमा पिलामन को पई, तो बहुत भलो वैकेंसी आसी छी। तो आपन मान को से वैकेंसी विषय रे चर्चा करबा आज का ई वीडियो रे। ठीक अच्छे पिला मैंने, तो वीडियो लास्ट पर्यटन जुड़ी रहते समस्त जोटा कि एज यूजुअल गुड इनफर्मेसन आपको मुझे प्रोभाइड करी। सिंपल सिंपली आपन मानक फुल्ली जोटा कि आप ओएमसी जॉब कले कौन कौन सिक्योर करेंगे, केते सैलरी रही है, ट्रेनिंग कौन रही है, प्रोबेशन कौन रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रही है कि कौन केत चाकरी बाहर कर दी जाए, कौन नोटिस रही है कि वन मंथ नोटिस पीरियड रही है, तो ये समस्त विषय चर्चा करवा। पेंशन रही कि नहीं, ता सहित आपर कौन कौन समस्त सुविधा एवेलेबल हो पार, यहाँ गोटे प्रकार जोटा कि पूरा टोटल भिडियो मुझे निश्चित भाव में आपको जनईबी। यह सहित आम यही वैकेंसी देखा जे आपर एलिजिबिलिटी कौन रही, आपण को कौ वैकेंसी आसी के पोजिशन रही समस्त चर्चा करवा। ठीक अच्छे पे तेनाली पाखक एज क्राइटेरिया लास्ट डेट समस्त चर्चा करने नेक्स्ट आम देखा जे यही वैकेंसी पुणी आम क्लासेस आरंभ करवा। ठीक अच्छे पे रेगुलर क्लास इलेक्ट्रिकल सिविल आपणकर फिटर समस्त क्लासेस हो जाए, से निश्चित भाव यार क्लास हम आगे बढ़िया जीवा देखा। देखूँ आपण 15/11 वैकेंसी आसीला। ठीक अच्छे पे 15/11 वैकेंसी आसी देखूँ आपणकर जमीका देखिपारे जे 15/11/2023 आपंकर वैकेंसी आसीला। ठीक अच्छे पे एपण ये गोटे हूँ राज्य सरकार आमर ओडिशा राज्य सरकार पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक अच्छे पे मैंने माइनिंग सेक्टर में बहुत हूँ कंट्री टॉप लेवल रही गोटे लार्जेस्ट स्टेट पीएसयू हो जोटा कि स्टेट पीएस पब्लिक सेक्टर यूनिट यहाँ ओएमसी ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक अच्छे आगे बढ़िया एथे जो वैकेंसी आसाला वैकेंसी पोजिशन को देखीद प्रथम पोजिशन कौन होता देखीद जे आप जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सिविल पे आप जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर सिविल जूनियर नर्स आउ जूनियर फार्मासिस्ट इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 जोटा कि आईटी लेवल रही ये समस्त वैकेंसी आप पहुंची जितक आप जूनियर इंजीनियर रहीगला से कौन मिले से आपको डिप्लोमा क्वालिफिकेशन होता दरकार जूनियर इंजीनियर कैटेगरी आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल। ठीक अच्छे बोला तीन टा कैटेगरी रहीगला एथिरे आपको कौन हो जो पे लेवल रो नौ नंबर पे लेवल रोक एथिरे आपको 35,400 रु लक्षे 12,400 टाँग मिले पे 35,400 टाँग मिलवा जोटा कि आप पे स्केल लेवल 9 रे क्लास 3 ग्रेड रे आपर तीन टा जो कैटेगरी रहा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मेकानिकल आउ सिविल कैडेट रुझिपाले पे तो वैकेंसी पोजिशन एमती का रोज जमीक आप देख दिंतु जे आपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैकेनिकल 20 रोज जो थे वुमेन कैटेगरी 4 जन रे जनरल कैटेगरी आउ ता सहित एससीबीसी 2टा एससी 3टा और एसटी रहा 4टा पोस्ट तेणु समस्त कैटेगरी आपको पोस्ट को डिवाइड होती कौन सी कैटेगरी आप छाड़ी ना। ठीक अच्छे पे आप आसीजे इलेक्ट्रिकल पाखक इलेक्ट्रिकल टोटल वैकेंसी रही 14 वुमेन 5टा रही पीडब्ल्यूडी आपर गोटे रही सतटा हूँ आप जनरल कैटेगरी गोटे एससीबीसी 2टा हूँ एससी आउ गोटे एसटी कैटेगरी सॉरी आउ 4 जन एसटी कैटेगरी तो ये रहीगले आपर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कैटेगरी नेक्स्ट आप देखीद वैकेंसी जोटा रहा आपर सिविल के पाई सिविल पाई 16 रही टोटल 16 वैकेंसी रही 16 वैकेंसी रही से आप जनरल रही 5 एससीबीसी 2 एवं एससी रही 4 एवं एसटी रही 5। ठीक अच्छे पे आप गोटे देखते जनरल को भी 5 मिली आउ एसटी कैटेगरी को 5 मिली यही वैकेंसी बुझिपाले पे तेना डिफरेन्स देखिपे निश्चित आगे बढ़ीजा जूनियर नर्स भी देखीद जूनियर नर्स जो कि गोटे ग्रेड कम रोक जूनियर इंजीनियर टूर पे लेवल रही है जोटा कि 8 नंबर से आप 29,200 92,300 टाँह मिल आउ सहित वन एक्सट्रा इनक्रीमेंट रही। ठीक अच्छे पे जितने आपको रेगुलर हो जाते से आपको गोटे वन एक्सट्रा इनक्रीमेंट से मिले। ठीक अच्छे पे इनक्रीमेंट विषय में चर्चा करवा 3% इनक्रीज रही कि 5% रही से विषय में देखा आगे बढ़िया देखिए टोटल नंबर वैकेंसी आप जूनियर नर्स रहा 11टा टोटल 11 वैकेंसी रही है आप 3 रहा जनरल कैटेगरी आपंकर 2 रहा एससीबीसी 4 रहा आप एसटी सॉरी एससी और 2 रहा एसटी तेणु आप वैकेंसी रही आपर टोटल वैकेंसी देखे निश्चित भाव में जूनियर फार्मासिस्ट पाक जा जूनियर फार्मासिस्ट आउ जूनियर नर्स ये दुई जन पे ग्रेड रही सामान जोटा कि 29,200
92,300 रही आउ ता सहित तार टोटल वैकेंसी रही है कौन जूनियर फार्मासीस्ट आपको 9 जन वैकेंसी 9टा वैकेंसी जनरल केवल गोटे रही जनरल केवल गोटे रही 2 रहा एससीबीसी 3 रहा एससी और 3 रहा एसटी बुझिपाले पे तो एम्फासीस कौन कैटेगरी कराई है मुझे बुझीपाली तेणु कमिटी देती जनरल प्रथम अधिका थाएर समस्त कैटेगरीज कराई है कितु ये देखा गले समस्त जिनस एससी एसटी को प्रावधान अधिक दी जाए आसवा आम इलेक्ट्रीसीआन सिंपली क्लास 3 ग्रेड र इलेक्ट्रीसीआन पे लेवल जोटा कि 5 नंबर पे लेवल आसूची जो थे आपंकर पे स्केल रही है 21,700 रु 69,100 आ सहित दुटा इनक्रीमेंट मिल जाए यहाँ सब बड़ इंपोर्टेंट कथ इनक्रीमेंट विषय में एक्स्ट्रा इनक्रीमेंट केमती मिल विषय में मुझे चर्चा करी ठीक अच्छे पाला दुटा इनक्रीमेंट जमीका कि आपंकर प्रोफेशन इयर गोटे वर्ष रही जमीका सर निश्चित भाव में जितने जॉइनिंग करेंगे दुटा एक्स्ट्रा इनक्रीमेंट मिल सहित एटर वैकेंसी बहुत बड़ा वैकेंसी आसगला 30टा अच्छी आपंकर टोटल वैकेंसी रही इलेक्ट्रीसीआन ग्रेड 3 रेर आपंकर वुमेन कैटेगरी 10 पीडब्ल्यू डी आपंकर जो 2 एक्सरविशन 1 और स्पेशल कैटेगरी गोटे रहा ठीक अच्छे पाला से आप जेनेल 15टा जो थे आप 4 वुमेन नहीं जी 5 रही है एससीबीसी रे जो थे 2 रही है एससीबीसी आउ 5 रही आपंकर कौन थे एससी जो थे आप 2 रही है वुमेन और 5 रही एसटी जो थे 2 रही है वुमेन ये भाई आपंकर वैकेंसी रही वैकेंसी पोजिशन आप 100 टोटाल जोटा कि 100 वैकेंसी रही पाला 100 वैकेंसी रही ठीक अच्छे पाला तेणु 100 वैकेंसी आपठू गोटे निश्चित भाव पोस्ट मिले जब आप निश्चित लेवल करेंगे निश्चित परिश्रम हार्डवर्क आप निश्चित गोटे जब दब ही दब ए गोटे कथ देखा कहे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑनलाइन एप्लीकेशन बी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट सेल बी मेड गो लाइव ऑन 2 PM माने आज दुईटा पूर्व दुईटा पाखर चालू हो सारी तो 17/11/2023 दुईटू आपण लास्ट डेट रही 8/12 माने December 8, 2023 ठीक अच्छे पाला 11:59 PM माने दिन 12टा पर्यंत आपंकर टोटल टाइम खुला रहिबो ये रहिला आपंकर OMC वेबसाइट रे क्लिक करंतु आपण जाय सेठी कम लॉगिन करिक आपण मानकर डिटेल्स भरी फॉर्म फिल अप करि परिबे ठीक अच्छे पाला लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपण कहि देली जोडे के 8 डिसेंबर होईची बुझि पाले पिला माने आ ता सहित पेमेंट फी करिवार मध्य लास्ट डेट ही सेइटा रहिची 8/12/2023 आगु को बढ़ि जाओ आ कोन से देखियो जमीते कि आपर सिंपली आपे से पोस्ट वैकेंसी कहले एटी आपको आसा कौन इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल रही जेई जोटा कि जूनियर इंजीनियर आपंकर मेकानिकल डिप्लोमा होता दरकार 3 वर्ष डिप्लोमा होता दरकार 2 वर्ष से मेनसन करना आप डिप्लोमा होता दरकार मेकानिकल इंजीनियरिंग आप डिप्लोमा होता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता दरकार सिविल इंजीनियरिंग ये तीन टे आपर ब्रांच वाइज अलग हो जाए तेणु आपनटा जेई सिविल आउ डिप्लोमा मेकानिकल आउ इलेक्ट्रिकल समस्त डिप्लोमा रही है आपने निश्चित भाव में फॉर्म पकई पारे कि असुविधा नहीं एज क्राइटेरिया आप समस्त 18-38 रही है भी कौन से प्रकार दुविधा देखा को नहीं आउटा कि एससी एसटी एससी बीसी वुमेन कैटेगरी रही है पीडब्ल्यू कैटेगरी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा नॉर्म्स रही नेक्स्ट आसे आपंकर जूनियर नर्स क्लास 3 ग्रेड रे आपंकर कौन होला प्लस टू साइंस विथ डिप्लोमा इन नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एच एंड जोटा कि होम एंड जोटा कि फेलो वर्कशॉप वेलफेयर डिपार्टमेंट रु आपर रिकॉग्नाइज होता दरकार एच एंड FW डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एंड अप्रूव्ड बाय ओडिशा नर्सिंग काउंसिल और इंडिया नर्सिंग काउंसिल जोटा कि अथराइज होती है आप प्लस टू साइंस विथ डिप्लोमा नर्सिंग सर्टिफिकेट आपके रही दरकार निश्चित भाव में जूनियर फार्मासीस्ट से कथा कहला प्लस टू साइंस विथ डिप्लोमा इन फार्मासी फार्मासी में आपको डिप्लोमा रही दरकार गोटे कौन से प्रकार रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी आम आसगले कौटी की इंपोर्टेंट जिनस इलेक्ट्रीसीआन पाखक जो थे अधिक वैकेंसी आसी HSC विथ ITI आप इलेक्ट्रीसीआन रही दरकार लाइनमैन आउ वायरमैन और ट्रेड करना बहुत पिला मैंने OPTCL OHPC एप्लाय कर किसी पिला क्वालिफाइड हो जाती कि पाखे जोटा कि वायरमैन लाइनमैन रोटा कि सर्टिफिकेट इश्यू कंपिटेटिव अथॉरिटी सर्टिफिकेट परमिट ना तेणु भल के कही रखुच्छे जब आप ITI कर देते गवर्नमेंट एप्लाय कर प्राइवेट सेक्टर पर एप्लाय कर पब्लिक सेक्टर पर एप्लाय कर निश्चित भाव में आप जोटा कि वर्कमैनशिप जोटा कि सर्टिफिकेट को एप्लाय कर दिंतु निश्चित भाव में आपने रखि था सिक्योर कर बढ़ जा आगक आउ कौन रही देखा जमी एज पर नॉर्म्स रही है आपको ओडिशा गवर्नमेंट में 5 वर्ष रही है SC ST SC BC कौनटा आपको रिलैक्सेशन रही है एज रे आ 5 वर्ष रही है वुमेन कैटेगरी आउ 10 वर्ष रही है PWD कैटेगरी ठीक अच्छे पे बुझीगले आगे बढ़िया आउ कौन देखा
आउ कौन एथिरे देखिवार अछि आपनको जोटा कि सैलरी कथा मु कहिले एथिरे सैलरी रे देखिवा कंडीशन टिके आपनको ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड रे कंडीशन टिके पढि देबा काहेकि ना कंडीशन जानिकि फॉर्म फिल अप करतु नहले आपन टिके असुविधा रे समीक्षा किछि किछि असुविधा रे समीक्षा नै परांति तेनु करि मु कहि दउ छी जे कंडीशंस कोन होइ छै देखतु इंटर सीनियरिटी ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट सेल बी मेंटेन एज पर मेरिट लिस्ट बुझिपाले कौन आपण मानक जति सिलेक्टेड कैंडिडेट होती ताक भितर जी सीनियर थी से अनुसार सीनियरिटी सिलेक्टेड कैंडिडेट को सीनियरिटी मेंटेन कर मेरिट लिस्ट से अनुसार आसो बुझिपाले कहला द ट्रेनी सेल नॉट बी अलाउ एनी काइंड ऑफ लीव एक्सेप्ट कैजुअल लीव एंड कंपनसेटरी आप सीएल मिल जाव ठीक अच्छे पाला ता व्यतीत आप जो ट्रेनिंग रही जो ट्रेनिंग गोटे वर्ष रही है से सीएल मिल कि व्यतीत आउ कौन प्रकार आपण मानकर होची छुट्टी मिलना कौन सी प्रकार छुट्टी मिलना तेणु आप सीएल मिल जाव आपको विकली ऑफ जोटा कि सप्ताह गोटे दिन जो कंपनसेटरी लीव मिलू से निश्चित मिले कि आउ कौन प्रकार अलग छुट्टी मिलना तेना गोटे वर्ष आपको भले काम करा पड़ो निश्चित भाव में ट्रेनिंग पीरियड शैल नॉट बी कंडक्टेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लीव अलाउड अंडर ओएमसी रूल आपको क्या कह आप गोटे वर्ष जॉब कले ट्रेनिंग रही गोटे वर्ष रहा आपर कौन होता है जितक आपर अंड लीव था ईएल थाए से वर्ष ड्यूटी करते तेणु आपर छुट्टी आपको इनकम होता है से छुट्टी आपको जुड़िया दरकार कितु से ये कही 1976 नंबर रूल जोटी की ओएमसी लीव रूल अनुसार से कौन कौन आपको कौन प्रकार इनक्रीमेंट दबनी कि आपको कौन प्रकार छुट्टी से काउंटेड हम ना आपको ट्रेनिंग पीरियड को लेकिन जो जिते वर्ष आप गोटे वर्ष ट्रेनिंग कले जब फर्दर भी गोटे वर्ष बढ़ीदेला जिते वर्ष जितको टाइम आप ट्रेनिंग करेंगे से टाइम आपंकर इनक्रीमेंट बा कौन प्रकार लीव आपको मिलना ना नेक्स्ट पढ़ी तापर बढ़िया द ट्रेनी शैल नॉट बी अलाउड एनी काइंड ऑफ अलाउंसेस लोन एक्सेप्ट एचआरए आपने जिते भी ट्रेन ट्रेनिंग रे अच्छे से आप कौन प्रकार अलाउंसेस मिलना ना अलाउंसेस मीनस आपको डीए होगा आपर कौन प्रकार एचआरए मिल आपको जो एचआरए मिल पाए केतल कंपनी हाउस अवेलेबल नई जदि कंपनी हाउस प्रोवाइड करदे आपको एचआरए मिल ठीक अच्छे पाला तेणु कंपनी हाउस प्रोवाइड नक एचआरए मिल सहित आउ कौन प्रकार जोटा कि अलाउंसेस जोटा कि आपको एप्लिकेबल नुहे नेक्स्ट आस कौन अच्छा ट्रेनिंग सेल बी प्रोवाइडेड कॉर्पोरेशन क्वार्टर जो कथा मुझे कही रखिली एटा ये आप मेंशन रही कॉर्पोरेशन क्वार्टर दिया सैंक्शन बेसिस एज पर सीनियरिटी सहित कहला द ट्रेनी सेल बी अलाउड मेडिकल फैसिलिटी एज एक्सटेंडेड टू ए रेगुलर एम्प्लॉय आपन जमीका रेगुलर एम्प्लॉय मेडिकल फैसिलिटा आपको अवेलेबल हो पाव आपको डिपेंडेंट मीनस मैं आप कौन हो फादर हो गले पेरेन्ट्स जो फादर मदर आपको जो वाइफ अच्छा पिला चाइल्ड अच्छा तो निश्चित भाव से आप मेडिकल फैसिलिटी एज पर कंपनी रूल अनुसार फ्रीली आपको ट्रीटमेंट मिल जाव बुझिपाले ये रही है आपको जो ट्रेनिंग भितर क्राइटेरी कथ आगक बढ़ी जा पुणी कौन अच्छी देखा ये आपंकर आप्लिकेसन केमी एप्लाय कर स्टेप व्वज दिखाई ता सहित आपर आगक बढ़ी जा कौन अच्छे वैकेंसी पोजिशन अलरेडी आम डिस्कसन कर सारी आगे आउ कौन अच्छी तापर आपण मानकर देखीद कौन अच्छी कि ठीक अच्छे पे आगक बढ़िया ओके फॉर एक्स सर्विसमैन फॉर कैंडिडेट्स वर्किंग इन ओएमसी जो मैंने काम कर प्रावधान रोक आपंकर कैंडिडेट मानी जोटा कि हाँ ठीक अच्छे पे आपर सिलेबस आउ एग्जाम पैटर्न को आम डिस्कसन करवापर डिस्कसन रोर मुझे कथ कर एग्जामिनेशन फी जनरल कंडीशन रहा एग्जामिनेशन फी 500 रही आपण मानी ओके ये तो लास्ट डेट आपको देदेला कि एग्जामिनेशन फी जोटा कि आपंकर 500 रोज 500 एग्जामिनेशन फी रही जोटा कि एस सी एस टी ओबीसी आपर एग्जामिनेशन रोक ठीक अच्छे पे तो एग्जामिनेशन फीटा ये मुझे पाऊना कि पढ़ी दिल्ली तेनाली 500 आप एग्जामिनेशन फी रही 500 ठीक अच्छे पे आपण एग्जाम पैटर्न कौन हो एग्जाम पैटर्न आप 120 एव्री सब्जेक्ट आप जितकी पोस्ट छा पोस्ट छः प्रकार जो वैकेंसी बाहर समस्त वैकेंसी 120 मार्क परीक्षा हे 120 मार्क आप 120 मिनट दिखाई मैंने 2 घंटा आउ सीबीटी बेस्ड हे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हे 2टा स्टेट रही गोटे रहा आपर कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी रहा वेरिफिकेशन ठीक अच्छे पे आपं समस्त कैटेगरी आपको देखते जूनियर इंजीनियर मेकानिकल हेले जेईपाई होगा आपर जो कोर सब्जेक्ट है से 60 मार्क ता सहित आपंकर रिजनिंग
आपंकर जेनराल अवेयरनेस एप्टीट्यूड आउ इंग्लिश पई सेथिरु आपंकर सर्टिफिकेट तो टोटल 120 नंबर्स आपंकर ए भलिया समस्त सब्जेक्ट पई आपंकर अवेलेबल कर दैछि। आउ ता सहित आपंकर देला एथिरे कोन एथिरे आपंकर देला 0.25 रो नेगेटिव मार्किंग रहिछि 0.25 रो नेगेटिव मार्किंग रहिछि एटा भी मने रखिथिबे। तो ये थिला आजिकार जो वैकेंसी पोजीशन ता सहित रिक्रूटमेंट प्रोसेस विषय मो किछि टिके ओवरव्यू कर देलु। नेक्स्ट विषय जोटा के आपंकर आसीबो जे आपण मानकर सिलेबस कोन होइबो समस्त कर सिलेबस कोन कोन होइबो केमिति के आपण प्रिपरेशन करबे ता विषय मते डिस्कशन करबा। नेक्स्ट वीडियो रे आपण सिलेबस सहित आउ गुटे डिस्कशन होइबो जे आपण मानको जदि आप क्वालिफाई करछन जेतले जॉइनिंग करबे ट्रेनिंग टाइम रे केते पैसा मिलिबो कोन कोन फैसिलिटी मिलिबो ता सहित ट्रेनिंग परे प्रोफेशन सरीगला परे ता परे आपण मानको केते अमाउंट मिलिबो कोन कोन अलाउंसेस मिलिबो केते इंक्रीमेंट मिलिबो प्रमोशन केमिति के रहइबो ए समस्त विषय मु आपण सहित आलोचना निश्चित करबी किंतु एटा होचे आपण मानकर नेक्स्ट आपण चैप्टर रहिबो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज का वीडियो को लाइक करंतु निश्चित भाव रे सब्सक्राइब करंतु चैनल ले नुवा थिले आउ ता सहित मो टेलीग्राम चैनल को जॉइन करंतु जोटा कि इन्फो ओडिसा ऑफिशियल आपन को डिस्क्रिप्शन लिंक रे अवेलेबल लिजो। थैंक यू एवं धन्यवाद। जय जगन्नाथ।